कमेटी के सभी मेंबर और सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अभी तक जो परिपाटी रही है कि कोटा लेकर के जो एथलीट आता है वही जाएगा, सब लोगों ने मिलकर के फाइनल किया है तो उन्हीं को भेजा है। एंड क्या सर, हम देखते हैं कि अगर विनेश फोगाट की कैटेगरी जो पेट कैटेगरी 53 की है लेकिन 50 में उनको कोटा मिला है, क्या उनको कुछ चॉइस दी जाएगी इसमें? अब उनकी तैयारी 50 में अच्छी थी तभी तो उन्होंने 50 में कोटा लिया है, उन्होंने 50 में कोटा लिया, 50 में हो जाएंगे, 50 का मेडल लेंगे, हमारी अच्छी रेसलर हैं। एंड जिस तरह से आई थिंक मेंस में एक ही कोटा मिला है हमें अमन शेरावत को, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था, जैसे सुजीत है 65 में, विशाल काली रमन, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे ये, कहीं ना कहीं ये चीज़ वरी करती है कि और मेंस रेसलर नहीं ला पाए। लास्ट ओलंपिक्स देखें, इसमें बजरंग और रवि का मेडल था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वरी करती है आपको? कुश्ती ही एक ऐसा गेम था जो पिछले 4 ओलंपिक से लगातार मेडल दे रहा था, बीच में कुछ ताकतें लग गई कुश्ती को ही डाउन करने में कि कुश्ती ख़त्म हो। हम तो कहते हैं कि देश विरोधी ताकतें थी, जिससे कि कुश्ती ही मेडल देता है, कुश्ती मेडल नहीं दे तो हमारा देश डाउन हो। उसमें वो कुछ हद तक वो सफल भी रहे, लेकिन फिर भी हमारे जूनियर पहलवान इतने मजबूत थे कि लड़के लड़कियां मिला करके कोटा ले आए, और अमन से तो पूरी उम्मीद है कि वो मेडल भी ले आए। एंड इससे पहले एडॉक ने बोला था कि शायद ट्रायल्स हो, लेकिन अचानक फिर आप लोगों ने मीटिंग किया, लेकिन किस चीज़ पे आने, किसको भेजना नहीं भेजना, सिलेक्शन करना, ये पूरा पावर WFI में सिलेक्शन कमेटी के पास है। सिलेक्शन कमेटी जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन मान्य होगा। आज न कहीं एडहॉक कमेटी है न कहीं कोई है, फेडरेशन अपना फुल प्लेस काम कर रही है, उन्होंने अपना डिसीजन लिया है और वही एथलीट जाएंगे। और ये बाकी जी 6 रेसलर्स हैं, कहीं आपने उन्होंने कहा कि कहीं पे और कैंप पेरिस से पहले कहीं कैंप लग, जैसे अंशु मल्लिक जापान भी गई थी, थोड़ी जापान के लिए आया है, बच्चियों का कैंप के लिए जापान के लिए आया है, अमन का भी आया है, उनको भेजा जाएगा। अभी टीम जा रही है हंगरी रैंकिंग के लिए, वहाँ से लौटते ही सबको सब जगह भेज दिया जाएगा और उनको सारी व्यवस्था दी जो वो मांगे वो व्यवस्था दी है, क्योंकि अभी हम किसी भी हालत में हम अपने उसको बरकरार रखना चाहते हैं कि ओलंपिक में क्रम मेरा ना टूटे, 4 ओलंपिक में लगातार, तो 5वें में मेरा मेडल रहे। आप कितनी मेडल की उम्मीद कर रहे हैं सर पेरिस में? हम कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि मेरा 6 का 6 मेडल आए, लेकिन 1-2 तो आने ही चाहिए, हर हाल में आने की अच्छी तैयारी होगी तो मेरा और भी मेडल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर।